नमस्कार, स्वागत है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। देखते हैं आज की खास खबर। भारत में पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आए दिन पत्रकारों के साथ बाजारों में मारपीट होना, हत्याएं होना एक गंभीर मामला है। ऐसी घटना की समाज में कोई जगह नहीं है। पत्रकारों पर हमला करने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आया है। एक वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला को बाजार में सरेआम पीटा गया। रिपोर्ट लिखवाने जा रहे पत्रकारों की भीड़ पर भी हमला किया गया। पत्रकारों पर हुए हमले में से पूरे भारत के पत्रकारों में गुस्सा देखा जा रहा है। आखिरकार कब तक सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाएगी या फिर आश्वासन देकर ही काम चलाती रहेगी सरकार? सरकार से पत्रकारों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द से जल्द पत्रकार कानून लागू करेगी, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं देना सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। नहीं, मार डालो मेरे को। पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं हूँ। ज़रूर दर्द है, इस कारण से आवाज़ में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए। आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी एक नगर की बस्ती जानती है। पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को, केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। हमने थाने, मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, SP को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल SP, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को, कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है, जो शिशुपाल सोरी विधायक हैं, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है, शिशुपाल सोरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लहराया थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, CCTV में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाए कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, हम मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएंगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पर मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगरपालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगरपालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं वो है, जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूँ, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूँ कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था उसको ये लोग प्रभावित करने के, वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊंगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी, सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं, रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सरकार है करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है, अभी भी
जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है, उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे। पिस्तौल उस्तौल चलाओ।